हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 5 एपी के बारे में एक्सप्लेन कराऊँ। एपी होता क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कहते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे एन टर्म इज नोन एज रिक्वायर्ड टर्म के रूप में हम जानते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है। इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। और क्वेश्चन का पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम देखते हैं फॉर फर्स्ट एडिशनल किलोमीटर तो 15 प्लस 8, सेकेंड एडिशनल किलोमीटर तो 15 प्लस 8 इंटू 2। तो इस तरह से जब हम करते जाते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है, जो यानी एपी हमें मिलता है 15, 23, 31, 39। ये हमारा फॉर्म करता है एपी और ये प्रोसीड करता है 8 के फॉर्म में। क्वेश्चन 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। एक गिवन है 10 और डी है 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो फार्मूला हमारा अप्लाई होता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड इस तरह से हम चलते हैं। तो अब हमने क्या पुट किया, ए इजकल टू 10, डी इजकल टू 10, तो वैल्यू हमारी हो गई 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड टर्म बनता है। सेकेंड पार्ट है ए की वैल्यू है माइनस टू, डी की वैल्यू है 0। तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी के रूप में जब हम देखते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू हमें मिलती है ए की वैल्यू माइनस टू, डी की वैल्यू 0। तो हमें वैल्यू मिला माइनस टू, माइनस टू प्लस 0, माइनस टू प्लस 0 इंटू 2, माइनस टू इंटू 2 इंटू 0। इस तरह से वैल्यू हमें मिलती जाती है। तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू आर द रिक्वायर्ड एपी हमारा बनता है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है ए की वैल्यू है 4 और डी है 3। तो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिलता है 4 और कॉमन डिफरेंस है 3 जो कि हम माइनस 3 जो कि डी के रूप में है। तो अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू 4, ए डी की वैल्यू 4 प्लस माइनस 3। और ऐसे जब हम लिखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 4, 1, -2, -5। ये हमारे रिक्वायर्ड एपी होते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और इसका पहला फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 और -3। तो ए हमें फर्स्ट टर्म के रूप में क्या मिला, 3 मिला, डिफरेंस हमें मिला ए टू माइनस ए वन करने पर 1 -3 यानी -2। तो अब ए की वैल्यू हो गई 3 और डी की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए इजकल टू -5, डी इजकल टू यहाँ पर -2 हो गया। तो अब सेकेंड वैल्यू हमारा क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7। जब इसको हम देखते हैं तो ए की वैल्यू हमें मिलती है -5, डी की वैल्यू हमें मिलती है ए टू माइनस ए वन करने पर यानी -1, -5 करने पर, तो -1 + 5 यानी 4 मिला। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली -5 और डी की वैल्यू हमें मिलती है 4 के रूप में। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ए की वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है 1/3 और डी की वैल्यू 5/3 - 1/3, तो वैल्यू मिला 4/3, तो डिफरेंस हो गया 4/3 का। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 1/3 और डी की वैल्यू होती है 4/5। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है विच आर द फॉलोइंग आर ए पीज इफ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। और इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16। जब हम देखते हैं ए टू माइनस ए वन तो हमें मिलता है 4 - 2 यानी 2। उसके बाद हम देखते हैं ए फोर माइनस ए थ्री तो 16 - 8 मिला यानी 8 आ गया। a3 - a2 करने पर 8 - 4 यानी 4 आ गया। कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जब कोई कॉमन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 4, 8 और 16 ये डो नॉट फॉर्म एन ए पी, ये ए पी को फॉर्म नहीं करते हैं। क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2। यहाँ पर
हम जब देखते हैं डी के लिए तो 5/2 - 2 करने पर हमें मिलता है 1/2, और a3 a2 पर हमें मिलता है 3/-5/2, तो 1/2। a4 a3 के लिए मिलता है ये भी 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक ap को फॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट 3 ap, अब क्योंकि आ गया 3 ap बताइए, इसलिए नेक्स्ट 3 ap क्या होगा, 7/2 + 1/2 यानी 8/2, तो 4 हो गया। अब 4 + 1/2 तो हो गया 9/2, 9/2 + 1/2 तो हो गया 10/2 यानी 5। तो नेक्स्ट 3 ap हैं 4, 9/2 और 5 के रूप में हमें मिलते हैं। क्वेश्चन 4th का थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। कॉमन डिफरेंस की बात जब हम करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 2 मिलता है, तो डिफरेंस हमारा आता है 2। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब सारी कंडीशन में 2 मिला तो ये भी ap फॉर्म करेगा, और इसलिए अब हमें इसके 3 मोर टर्म निकालने हैं। तो इसलिए मैंने किया -7.2 - 2 यानी हो गया 9 - 9.2, -9.2 - 2 तो हो गया -11.2, और -11.2 - 2 करने पर आया -13.2। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म बनते हैं वो होते हैं -9.2 - 11.2 और -13.2 के रूप में होते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर इस 4 के इस थर्ड पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।